आज आपका स्वागत है। आज हम गुजरघाटी में आए हुए हैं। हमारे साथ में थोड़ा आगे भूपेंद्र जी मीणा, जो पार्षद है वार्ड नंबर 11 से, इनसे पूछते हैं कि आज अपने एरिया के अंदर इन्होंने किस तरीके का विकास कराया है। सर आप बताइए, आप एरिया में अपने क्या क्या विकास कराया है? सर, ईश्वर ने मुझे मनुष्य होने में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया है और जनता ने जिन भावनाओं के साथ मुझे चुना है, आज मुझे पार्षद बनने का अवसर दिया है। तो हमने इस वार्ड के विकास के लिए बेहतर काम किया है, बहुत अच्छा। जहाँ रोडों का काम हो, सफाई का काम हो, और पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत दयनीय थी। कहीं ऊंचाई में लोग रहते हैं, वहाँ आज पानी की व्यवस्था बहुत, एक 20 लाख लीटर पानी की क्षमता पंप हाउस बनकर तैयार हुआ, जो भूमिया बस्ती, इंदिरा कॉलोनी और गुजरघाटी तमाम कॉलोनी में आज अच्छा पानी आ रहा है। एकाध जगह कोई शिकायत हो सकती है, लेकिन पानी का बेहतर व्यवस्था हुई है। और रोडों का मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अच्छा काम हुआ है, और यह सब कांग्रेस सरकार की देन है। आदरणीय महेश जोशी जी के सानिध्य में विकास हुआ है, और आज भी निरंतर उनके जो कामों के जो प्रयास थे वो निरंतर गति हो रही है, निरंतर विकास हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये, अपने जो विकास की आप बात कर रहे हो, विकास तो हुए हैं, और अब 10 जुलाई को जैसे बजट आने वाला, तो इससे आप क्या उपेक्षा रखते हो? देखो, जो भी बजट आए, मैं तो मानता हूँ, देखो बजट आए, विकास में गति मिलनी चाहिए। जो विकास हो रहा है उसको निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकारें आती जाती रहती है, कोई काम रुकावट आ जाए तो कई ऐसी समस्याएं भी आती है, लेकिन मिलकर के सब काम करें और बेहतर काम हो रहा है इस वार्ड नंबर 11 में। पहले जो कांग्रेस की सरकार थी और अब बीजेपी की सरकार है, ऐसी कोई रुकावट नहीं है जिस कार्य विकास के अंदर कोई रोक टोक? देखो, विकास के अंदर क्या है कि अभी तक माननीय जो विधायक आए हैं, राजस्थान में सरकार बनी है, सरकारें जाती आती रहती है, लेकिन सरकार का किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे यहाँ जो पहले बजट पास हुआ उसका निरंतर काम हो रहा है, लेकिन माननीय कुछ लोग हैं न्यूसेंस करते हैं सर, पर मैं तो ये मानता हूँ सर, वो लोग मिलकर के काम करें। ईश्वर ने हमें मौका दिया पार्षद बनने का, अगर हमारे जानकारी में काम लाए वो कि ये काम, वैसे तो हम बेहतर काम करा पा रहे हैं। कुछ अवांछित लोग हैं, जैसे मेरे यहाँ नाले का काम था, उस नाले का काम हो रहा था, सफाई हुई और उसको बंद करा दिया गया और NGT तक ले गए। हम तो सफाई करा रहे हैं और उसमें कई प्रकार के व्यवधान पैदा करते हैं। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों को भगवान सद्बुद्धि दे और विकास को गति देने का काम करे, विकास में सहयोग करने का काम करे, काम बनाने का काम करे, बिगाड़ने का नहीं करे। कुछ लोग हैं सर। सर आपका नाम क्या है? राम अवतार। सर, जो आपके क्षेत्र का जो विकास हुआ है, इस क्षेत्र के अंदर विकास के अंदर कितनी उन्नति हुई है? विकास में साहब दो बार तो रोड़ें बन गई। विकास जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही कोई कमी नहीं रही, और फिर अब ये जो सरकार चेंज हुई है, ये बीजेपी की सरकार आई है, तो इसके अंदर आप इसकी उपेक्षा रखते हो कि भाई अपना विकास रुकना चाहिए? उपेक्षा तो रखते हैं, सब चाहते हैं कि काम होना चाहिए, लेकिन इनकी गति थोड़ी धीमी रहती है हमेशा ही। आज ही नहीं है, जब गवर्नमेंट आती है ना, तो दमी जो इनकी गति धीमी हो जाती है विकास की। आपका नाम क्या है? निरंजन गुप्ता नाम है मेरा। निरंजन जी, जो विकास की अपन बात कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में कितना क्या विकास हुआ है? बहुत बढ़िया विकास है। सबसे बड़ी तो हमारे प्राथमिकता थी पानी की टंकी की, वो पानी की टंकी बनी, बिना मोटर के हमारे यहाँ पानी बुरा आ रहा है, दो मंजिल पानी चढ़ रहा है। दूसरी बात, 50 साल पुराना हमारा रोड था, वो कुछ असामाजिक तत्वों ने बंद करने की कोशिश की थी, वो हमारे पार्षद महोदय के अथक प्रयासों से वो रोड बना, सीमेंटेड रोड बना, RCC बहुत बढ़िया, और रोड बने, साफ सफाई भी होती है, इनका काम बहुत अच्छा है, सराहनीय, हम आगे भी इनसे ये अपेक्षा करते हैं। विनोद शर्मा जी, हाँ, अपने एरिया का क्या विकास देखा आपने? एरिया में बहुत अच्छा विकास हुआ है। सबसे बड़ी पार्षद की कृपा से ये उम्मीद रखते हैं भाई, साफ सफाई है, तो डोर टू डोर सफाई हो रही है, कचरा की गाड़ियाँ आ रही है, दोनों टाइम गाड़ियाँ आ रही है, और पानी की समस्या बहुत ही समस्या थी यहाँ पर, जब उसका निदान हुआ, टंकी बनी, बहुत अच्छा काम हो गया, रोडे वोडे बनी है, खूब अच्छा काम हुआ, पार्षद साहब के कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम हुआ। अब 10 जुलाई को जो बजट आने वाला है, उसके बारे में आप क्या उपेक्षा रखते हो भाई, बजट के अंदर अपने एरिया की कुछ? हाँ ना, हम तो यही उम्मीद रखेंगे भाई, हमारे एरिया में से मिले, बजट मिले और रहे पे विकास, अच्छे विकास हो। क्या नाम है सर आपका? राकेश शर्मा जी, क्षेत्र में जो विकास अब देखने को मिल रहा है, इससे पहले कभी आपको विकास देखने को मिला? देखो, मेरे को तो 20 साल हो गए, 20 साल पहले ऐसा पार्षद आज तक नहीं देखा मैंने। भूपेंद्र जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हुआ है। ये हमारे 25 साल पुराना, 30 साल पुराना रास्ता था, इसको भूमाफिया बंद करना चाहता था बिल्कुल, इसको इन्होंने चालू कराया, इनके श्रम से और जनता की प्रयास से ये चालू हुआ, और पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, बड़ी टंकी बनाई गई है एक, जो बिना मोटर के पानी आ रहा है लोग बागों के सबके। आओ आया, सुनो आज
इंडिया दस्तक से मैं हूं अरविंद योगी।